हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी एडुकेयर। सो फाइनली इंस्टीट्यूट लेवल राउंड स्टार्ट हो चुका है गाइस। नाउ ऑल दोस कैंडिडेट जिनको राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री में कोई कॉलेज नहीं मिला है, अब लास्ट होप यही है यार, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड। बस इंस्टीट्यूट विजिट करो, वहां पूछो कितनी सीट वैकेंट है, वो आपको यहाँ से चेक कर लेनी है। एक यहाँ मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके बाद में, यानी जिन पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए आप ट्राई कर रहे हो, हर एक कॉलेज की एक मेरिट लिस्ट यहाँ भी होगी और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी होगी। सो कॉलेज विजिट करके भी एडमिशन ले सकते हो और इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में पार्टिसिपेट करके भी ले सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा गाइस, नियर बाय कॉलेजेस सर्च कर लो, वहां विजिट करो, उनसे बात करो, क्योंकि टाइम अपने पास अच्छा खासा है। ठीक है, वी हैव 11th of August टू दी 16th of August का टाइम। अब इस बीच में आपको कॉलेज विजिट करना है, कॉलेज से बातचीत कर लेनी है और उसके बाद एडमिशन ले लेना है, क्योंकि गाइज इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होने वाला है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉलेज का एक मैनेजमेंट कोटा भी होता है, अगर उनके पास सीट्स है तो आप वहां एडमिशन ले सकते हो। ओके, वहां आपकी कोई कैटेगरी काम नहीं करेगी। ओके, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू आप एज अ ओपन कैटेगरी कैंडिडेट ही ट्रीट किए जाओगे, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ कम टू द नोटिस पार्ट, एक इंपॉर्टेंट नोटिस आई है, इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट्स अबाउट द इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर लॉ 5 years। सो इसको लेकर इन डिटेल बात करते हैं गाइस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन कैंडिडेट का एडमिशन नहीं हुआ है, डोंट वरी एट ऑल, आपको बस इस नंबर पर कॉल करना है, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हो और उन कॉलेजेस टारगेट करो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द नोटिस फर्स्ट। कैंडिडेट शुड एडिट एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन द कैप एप्लीकेशन फॉर्म। अगर डॉक्यूमेंट सेक्शन पार्शली वेरीफाइड शो कर रहा है, वेरीफाइड नहीं है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। ठीक है, टाइम अपने पास अच्छा है, 11th of August टू द 16th of August। नाउ कॉलेज ऑप्शंस फील्ड फॉर राउंड थ्री और प्रीवियस राउंड्स विल नॉट बी कंसीडर्ड ओवर हियर। ठीक है, आपको क्या करना है, इट इज मैंडेटरी टू कैंडिडेट्स टू फिल द फ्रेश कॉलेज चॉइसेस। और गाइस मैक्सिमम चॉइसेस दो। चॉइसेस कैसे देनी है, सिंपल प्रोसेस है, बस आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। आपने कॉलेज सेलेक्ट की, बस उसको एड प्रेफरेंस में एड कर दे जाओ। ठीक है, दूसरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, मैक्सिमम। ओके, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस आपको सेलेक्ट करनी है, क्योंकि सारे कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट में आप आओगे। सपोज एक कॉलेज में 5 सीट वैकेंट है और वहां अब 50 बच्चे ट्राई कर रहे हैं और आपका अगर 48 पर आ रहा है नंबर, तो आपके चांसेस है नहीं है। सो ऐसे में क्या कर सकते हो, मैक्सिमम कॉलेजेस, कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में 3 सीट्स है, हो सकता है कि आप मेरिट नंबर पे 7 पर हो, तो आपके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले बच्चे वहां एडमिशन के लिए नहीं जा रहे और आप जा रहे हो। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, आपको कॉलेज जल्दी विजिट भी करना है जैसे ही मेरिट लिस्ट आउट होगी। ठीक है, सो मेरिट लिस्ट को तो टाइम है, आप फिलहाल अपने ऑप्शंस दोगे और मेरिट लिस्ट जो है वो होगी 17th of August को। ठीक है, नोटिस बोर्ड पर भी रहेगी। सो आपको क्या करना है, 17th of August टू दी 21st of August एडमिशन ले लेना है। कट ऑफ डेट जो होगी 23rd of August और इसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होने वाला है, सारे एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर सीट वैकेंट है तो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट ही वहां आएगा। ठीक है, आप वहां नहीं जा सकते हो, अगर ओपन कैटेगरी के हो या एससी हो, एसटी हो, ओएमएस हो, वो वैकेंट की वैकेंट ही रहेगी। सो इसलिए क्या करना है, कॉलेज विजिट स्टार्ट कर लो गाइस। नोटिस पर आते हैं वापस। द फोर्थ एंड फाइनल इंस्टीट्यूट लेवल राउंड ऑफ एडमिशन विल बी कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ एडमिटिंग कॉलेज एज पर द शेड्यूल डिक्लेयर ऑन द कोर्स वेबसाइट। द इंस्टीट्यूट एंड द कैंडिडेट शुड फॉलो द डेडलाइंस ऑफ द स्टेजेस राउंड फोर। ऑल एकैप इंस्टीट्यूशनल लेवल सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन इन राउंड फोर विल बी फिल्ड इन थ्रू द सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। एक मेरिट लिस्ट बन जाएगी आप सबकी। ठीक है, कुछ नोटिस कॉलेजेस के लिए है। कॉलेज क्या करेगी, अगर उनके पास मैनेजमेंट कोटा है तो मैनेजमेंट कोटा से भी एक मेरिट लिस्ट तैयार करेगी उनके नोटिस बोर्ड पर। सो इसके लिए क्या करना है, आपको कॉलेज विजिट करते रहना है। ठीक है, कैसा ये प्रोसेस रहने वाला है, जब आप कॉलेज सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, एडमिशन मेनू ये कॉलेज के लिए है, उसको लेकर आप टेंशन मत लो। आपका प्रोसेस होता है यहाँ से स्टार्ट। कैंडिडेट कैन सीक द वैकेंसी पोजिशन ऑफ ईच कॉलेज ऑन द कैप पोर्टल, आप वैकेंसी देख सकते हो। कैंडिडेट्स विल गिव चॉइस टू द कॉलेजेस ऑफ देयर चॉइस। ठीक है, आफ्टर जनरेशन ऑफ कॉलेज वाइज इंस्टीट्यूट लेवल राउंड मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट चेक देयर मेरिट इन रिस्पेक्टिव कॉलेज ऑनलाइन थ्रू द लिंक गिवन ऑन वेबसाइट होम पेज, जो यहाँ ये मेरिट लिस्ट। ठीक है, इस मेरिट लिस्ट में आप देखोगे, अब जैसे कोई एक कॉलेज है, सपोज जीएलसी, अब जीएलसी में ऐसे सारे कैंडिडेट की एक मेरिट लिस्ट रहेगी। अब वैकेंसी रहेगी, समझो वैकेंसी है दो और इतने सारे कैंडिडेट, तो अब ये अगर विजिट किया तो इसे एडमिशन मिल जाएगा, ये अगर विजिट किया इसे एडमिशन मिल जाएगा, यहाँ से ये विजिट कर रहा है। ठीक है, अब अगर सीट वैकेंट होगी तो ही, और बाकी के अगर नहीं कर रहे तो उन्हें नहीं मिलेगी। सो यहाँ जो पहले जाएगा उसे एडमिशन मिलेगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप क्या करो, वैकेंसी रिपोर्ट चेक करो। ठीक है, और उसके बाद अपने जो ऑप्शंस है वो दे दो। कैसे देना है, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, सेलेक्ट मैक्सिमम कॉलेजेस ओवर ईयर,
और उसके बाद उसका प्रिंट ले लेना है। सो लॉग इन करो, मैक्सिमम प्रेफरेंसेस दो गाइस। जैसे मेरिट लिस्ट में अगर आप आ गए, एडमिशन ले रहे हो, देन आपको क्या करना है, 1000 रुपीज की जो फीस है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, वो पे करनी है। वो आर एलिजिबल, सो ऑल कैप रजिस्टर्ड नॉन एडमिटेड, जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडमिटेड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, लेकिन कब, जब वो अपना एडमिशन कैंसिल करेंगे, चाहे वो राउंड वन, राउंड टू या राउंड थ्री में कोई कॉलेज मिली है। लेकिन ऐसे में अगर ये कैंसिल करते हैं और इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में इनको कॉलेज की सीट नहीं मिलती, तो ये सीट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी कैंसिल, तो रिस्क लेना नहीं है। अगर एडमिशन हो चुका है, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में पार्टिसिपेट मत करो। यस गाइस, सीधा कह रहा हूँ, मत करो। एडिटिंग द कैप एप्लीकेशन फॉर्म एंड गिविंग कॉलेज चॉइसेस, ठीक है। सो मैक्सिमम कॉलेज चॉइसेस देनी है। ऑलरेडी लॉक कंफर्म कैप एप्लीकेशन आप एडिट कर सकते हो, बस अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करो और उसके बाद कॉलेज के प्रेफरेंसेस दे दो। ओके, आपको क्या करना है, कैंडिडेट लॉग इन, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड, सेलेक्ट कॉलेजेस, ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस राउंड में सेलेक्ट की थी, मैं बताऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव मिनिमम टू चॉइसेस, मिनिमम दो चॉइसेस देनी है, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी आप कॉलेजेस दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो ये कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार होने वाली है गाइस, ठीक है, यानी हर एक कैंडिडेट का वहां नाम होगा। अब यहाँ जो विजिट करेगा उसे एडमिशन मिलेगा, ठीक है। सो कुछ नोटिस है, इंस्ट्रक्शंस है, वो गो थ्रू कर लो, ओके। और एक बात ध्यान में रखनी है, फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट देर इज नो नीड टू गिव चॉइसेस, आपको कोई चॉइसेस देने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर मैनेजमेंट कोटा, वो क्या है कि आपको डायरेक्ट कॉलेज विजिट करना है और कॉलेज से बात करनी है, कॉलेज के मैनेजमेंट कोटा में आपको वहां एडमिशन मिल सकता है, बस कॉलेज विजिट करो। गाइस कुछ भी डाउट है, डोंट वरी एट ऑल, कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 9702405379, मैं बताऊंगा आपको कैसे आपको विजिट करना है और कैसे आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। फॉर सच कैंडिडेट्स कॉलेजेस आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द मैनेजमेंट कोटा मेरिट लिस्ट थ्रू द लिंक गिवन इन देयर लॉगिन। कॉलेज कैन जनरेट एज मेनी एज मैनेजमेंट कोटा मेरिट लिस्ट एज दे वांट, क्योंकि उनको भी सीट फिलअप करनी है। देयर इज सेपरेट लिंक इन कॉलेज लॉगिन टू एडमिट मैनेजमेंट कोटा सीट कैंडिडेट्स कॉलेज के लिए। रिजर्वेशन क्राइटेरिया इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट्स। कैंडिडेट मस्ट हैव टू बी एलिजिबल एज ओपन कैंडिडेट ओनली। आप अगर ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हो या फिर आप मैनेजमेंट कोटा के लिए जा रहे हो, तो आपको ओपन कैटेगरी से ही जाना होगा। एंड देयर विल बी नो एडमिशन आफ्टर कट ऑफ डेट 23rd of August, ठीक है, इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होने वाला है। सो क्या करना है गाइस, सिंपल, या आ जाओ, लॉग इन पर क्लिक करो। नाउ डॉक्यूमेंट कह रहे हैं कि पार्शली वेरीफाइड है, कोई बात नहीं, उसे हम अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इसे अनलॉक कर देंगे, अनलॉक हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वापस अपलोड कर देंगे, कंफर्म एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, कंफर्म हो गया। नाउ अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड, सेलेक्ट कॉलेजेस, यहाँ आना है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, सारे ऑल रखो, सर्च कॉलेजेस, मैक्सिमम कॉलेजेस एज पर योर स्कोर, कट ऑफ भी देख सकते हो कि यार थर्ड राउंड को लेकर क्या कट ऑफ गया है, और उसके बाद स्क्रोल डाउन करो, एड सेलेक्टेड ऑप्शन पे क्लिक करो, ओके। इनकेस आपको लग रहा है कि कुछ और चाहिए, तो अनलॉक योर चॉइसेस, ओके, और वापस कुछ अदर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लो, ठीक है। पुणे यूनिवर्सिटी की भी कुछ कॉलेजेस मैं ले लेता हूँ, यहाँ एड सेलेक्टेड ऑप्शंस, ठीक है, 21 ऑप्शंस दे दिए, कंफर्म चॉइसेस पे क्लिक कर दिया, हो गया आपका काम, प्रिंट शॉर्टलिस्टेड ऑप्शन, बस अब इसकी एक प्रिंट ले लेनी है, दैट्स इट, सिंपल प्रोसेस है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर एडमिशन चाहिए, मैक्सिमम प्रेफरेंसेस दो गाइस, ओके, इनफ टाइम ओवर हियर, ओके, सो भूलना नहीं है गाइस, कॉलेज विजिट करना स्टार्ट करो, और जो भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में मुझे पूछो यार, मैं बताऊंगा आपको कैसे एडमिशन लेना है। Okay, that's all. All the best for your career. See you in the next video.